अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नायला। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर इंडिया का। उम्मीद करती हूँ आप हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी बड़ी। कड़ी के लिए जो पकौड़ी बनानी है उसके लिए मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। इसमें मैं डालूँगी एक बड़ी कटी हुई प्याज। ये हरी मिर्च की सूख गई थी तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। इसमें ग्रीन, येलो, रेड सारे कलर हैं तो बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। अब पिंच ऑफ खाने का सोडा या मीठा सोडा भी बहुत लोग बोलते हैं। करी पत्ता, ये हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप ऐसे भी जाएंगे मेडिकली तो देखेंगे इसके बहुत फ़ायदे बताए गए हैं। ये 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही नमक ले लें, बाद में चख के भी आप डाल सकते हैं। और ये हल्दी मैंने डाल ली, और ये लहसुन 1 बड़ा टीस्पून मैंने लहसुन पिसा हुआ लिया है, क्योंकि बेसन में लहसुन का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहता है। और ये अजवाइन मैं थोड़ी सी डालूंगी, क्योंकि ये जो ऑयल होता है उसको हजम करने में काम आता है। और मंगरेला भी थोड़ा सा मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं, इतना डालती हूँ। इससे खुशबू और हाजमे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों ही चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल हैं। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसको, ना बहुत मीडियम, ना बहुत हार्ड, ना बहुत सॉफ्ट, इसे पकौड़ी बनाने के लिए गूंध लूँगी, अच्छे से मिला लूँगी। और इसे आप 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें, तब आपकी बहुत अच्छी सॉफ्ट और फूली फूली गोल गोल पकौड़ियाँ होंगी। थोड़ा और पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी ना डालें, इसे धीरे 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 मिक्स करें, क्योंकि थोड़ी देर ढक के रखने के बाद ये खुद भी थोड़ी पतली हो जाती है। इस तरह का मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी फर्मेंट होने के लिए। ये देखिए, मैंने सरसों का तेल गर्म कर लिया। अब इसमें मैं जो पकौड़ी या बड़ी कह लें कढ़ी के लिए बनाना है वो बनाऊंगी। इसे मैंने 1 घंटे तक रखा था, अब इसे एक बार फिर देखिए ये फर्मेंट होना शुरू हो गया है। इससे क्या होता है कि आपकी पकौड़ी बिल्कुल हल्की बनेगी। वो ठस हो जाती है ना पकौड़ी, तो बिल्कुल भी टेस्ट बड़ा ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता मुँह में। लेकिन जितनी सॉफ्ट होती है, तो एक बार फिर से ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके फेंट लेंगे और इसकी बड़ी बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने मिला लिया अच्छे से, अब ये स्टार्ट करती हूँ। आप हाथ से भी बना लें, स्पून से चाहें तो स्पून से बना लें, जिससे पसंद हो। थोड़ा मीडियम हीट रखेंगे और फौरन ना पलटें, जरा सा ऊपर का पक जाए तब। ये देखिए, ये सारे फूल फूल के बहुत हल्के और बड़े हो गए हैं। अब इसे निकाल लूंगी मैं। बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये दही में भी और पकने वाला है। देखिए, ये बहुत गोल्डन कलर की पक गई है, इसे मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी और ज़्यादा लाल नहीं करूंगी। अब मैं इसे निकाल लूँगी। सारी देखिए बहुत अच्छी रंग की है। ऑयल अच्छे से निकल जाने दें। अब कढ़ी को छौंकने का वक्त आ चुका है, तो हमने एक्स्ट्रा ऑयल इसी में से निकाल लिया है। इसमें मैंने पकौड़ियाँ छानी है, थोड़ी सी पहले प्याज मैं इसमें फ्राई करूंगी। ये देखिए, प्याज थोड़ी थोड़ी सी लाल होने लगी है, ज़्यादा लाल नहीं करना, इसे हम लोग किनारे कर देंगे ताकि ऑयल बाहर आ जाए। और ये छौंकने के लिए मैंने लिया है पीली राई, काली राई, ज़ीरा, लाल मिर्च सूखी हुई, ये बहुत मज़ेदार लगती है। और ये करी पत्ता तो पहले यहाँ से डालना शुरू करूँगी, क्योंकि इनको चिटकने में देर होता है। आप फ्लेम एकदम कम रखें और ये सारी चीज़ें पहले डाल दें, क्योंकि इनको होने में टाइम लगता है। 2-2 सेकंड के डिफरेंस से आप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा चिटक रही है, तो इसे प्याज को फ्लेम कम रखें, प्याज को इसके ऊपर फैला दें तो ये कम चिटकेंगी। अब हमने डालना है यहाँ पर सूखी लाल मिर्च, ये तेल के पास आप डालें। ये थोड़ी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है इससे, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये अभी धीरे धीरे इस साइड हो रहा है,
सारी चीजें चिटकने लगी हैं। अब हमने डालना है करी पत्ता। यहाँ पे हम डालेंगे, तेल में ही आपको डालना है हल्दी, थोड़ी सी ये पक जाती है तो इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है, और ये लहसुन। इन चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा भून लें, साथ में लहसुन थोड़ी भून जानी चाहिए आपकी। और ये मैंने हाफ के जी दही ले लिया है, इसे अच्छे से फेंट लिया है। ये मैंने होम मेड दही है हमारा कढ़ी के लिए, और इसमें मैंने एक कप बेसन मिलाया है। ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि दही फटे ना, इसे आपको धीरे धीरे अच्छे से मिलाना है। यहाँ पर आप एक टीस्पून नमक भी मिला के एक साथ ही, कढ़ियों में तो डाला है, कढ़ी के लिए हमने दही में डाल दिया है, और इसे अच्छे तरह से हमें फेंट लेना है। अब ये दही और बेसन को मैंने घोल लिया है, मिक्स कर लिया है, अच्छे से फेंट लिया है। डालना है एकदम धीमी फ्लेम पे डालना है, और कंटिन्यू चलाना, नहीं तो ये फटना नहीं चाहिए, और पानी भी पड़ेगा इसमें, जितना आपको पतला रखना है। ये डाल दूंगी मैं, कंटिन्यू चलाते रहें ताकि ये फटे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, सब कुछ कर लेता है इंसान, लेकिन यहाँ पे अगर ये फट गई तो बहुत मुसीबत होती। और जब तक ये उबल ना जाए तब तक इसमें पकौड़ियाँ नहीं डालनी। पानी आप देखें कितना रखना चाहते हैं, क्योंकि पकौड़ियाँ जो है वो काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करेंगी, तो मैं इसमें और पानी डालूंगी। ये मट्ठा था वो मैंने डाल दिया, आप इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं आराम से। ये देखिए 10 मिनट मैंने कंटिन्यू इसको पकाया है, और ये बहुत अच्छे तरीके से उबल चुका है, बिल्कुल नहीं फटा है। आप देख लीजिए दही फटा नहीं है, और ये आपकी मर्जी है कि या तो आप खट्टे दही से बनाएं अगर आपको खटास पसंद है, और या फिर आप फ्रेश दही से बनाएं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, उसमें खटास नहीं होती। इस स्टेज पर जब ये काफ़ी अच्छे से उबल चुका है, मसाले का सारा अर्क आ चुका है, इस कढ़ी में, तो अब इस स्टेज पे हम ये पकौड़ियाँ डालेंगे। ये भी इतनी अच्छी अच्छी हैं, फूल के और अच्छी हो जाएंगी। 10 मिनट आप इसे भी पका लें धीमी आंच पे। मैंने लाल मिर्च आपने देखा होगा पाउडर नहीं दिया था, तो इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक, होममेड है जो हमारा, वो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है, टेस्ट भी थोड़ा तीखा अच्छा आ जाता है। और आपको दाल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आप ये बनाएं तो सादे चावल के साथ आप आराम से अचार पापड़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट मैंने खूब अच्छे से बॉयल कर लिया है, ये काफ़ी जूसी हो गए हैं, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। अब इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हाजिर है कढ़ी बड़ी, और बहुत ही आसानी से बन गया। ये बहुत अच्छा वेजिटेरियन डिश है ये, और बेसन आप जानते ही हैं चने से बना होता है, तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, और आपको बहुत कम चीज़ों में बहुत मज़े से सब खाना खा भी लेते हैं शौक से। ओके, थैंक यू व्यूअर्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।